दीदी, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। और अगर यम के नियम को समझ लो तो आप इतने प्रसन्न होंगे और नष्ट हुई चीज पर शोक मनाने की बजाय आप उस वस्तु को या उस व्यक्ति को सावित्री की तरह वापस पा सकोगे, और वापस न भी पा सको तो भी आप उस शोक और दुख से ऊपर उठ जाओगे और उसके आध्यात्मिक उपाय है। तो अनलिमिटेड टॉक टाइम तो है नहीं, क्योंकि बोलने की भी एक सीमा है। थोड़े समय में कुछ बातें आपसे निवेदन करूंगा। देखिए इस जगत में, अब देखो एक शर्त है तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। एक तो उधर से कोई आए, इधर से कोई आए, उस ओर देखना मत, ठीक है जी, मेरी ओर नजर रखिए। दूसरे सोना मत, बोर मत होना, क्योंकि मैं कुछ देर तक, दो चार दस मिनट तक कुछ कठिन बात समझाऊंगा जो मैंने पहले भी कही है, शायद कल भी कही है। तो उस नियम को समझ लीजिए, जगत में उस यम के नियम छाए हुए हैं, सब जगह रूल्स काम कर रहे हैं। जो वैज्ञानिक ईश्वर को ना मानकर इस जगत की व्याख्या करना चाहते हैं, इसकी रचना और इसकी व्यवस्था पर विचार करते हैं, तो कहते हैं बस ये संसार कैसे चल रहा है, लॉ ऑफ नेचर है, कुछ नेचर के प्रकृति के नियम हैं, बस उनके द्वारा ये जगत चल रहा है। एक नौजवान मुझसे बहस करता था ईश्वर के बारे में। उसके पिता आर्यसमाज सांताक्रूज के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं और मुंबई की पंजाबी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। बेटा इंजीनियर है और एमबीए है। तो उसके कुछ सवाल रहते हैं, वो अपने पिता से पूछता रहता है। पिता कहते हैं आर्यसमाज में चल, वो कहता है मुझे नहीं जाना। क्या भगवान भगवान कुछ है भी, ऐसे ही आप करते रहते हो, ये हवन बैठ के प्रार्थना करते रहते हो आंख बंद करके। वो नहीं मानता, सवाल पूछता है तो पिताश्री के पास उत्तर नहीं ठीक से, वो जुबान बंद कर देता है, उनको चुप कर देता है। तो संयोग से मैं फंस गया एक बार उनके घर में, बोले कि चाय पी लेते हैं, शाम का वक्त था, घर ले गए। उन्होंने कहा कि मैं आपको चाय पिलाने नहीं लाया हूं। मैंने कहा फिर, बोले ये नौजवान है ना, इसके कुछ डाउट्स क्लियर कीजिए, कौन है, मेरा बेटा है, मेरा सिर खाता रहता है, तो आप इसके जरा कुछ संदेह निवारण करें। तो वही बात, तो मैंने उससे पूछा, बहुत जो सारी बात चली आपको नहीं बताता। वो यही कहने लगा कुछ नहीं भगवान, वो क्या है। मैंने कहा कि देखो इस जगत में नियम काम कर रहे हैं। कल मैंने आपसे कहा था एक एटम के अंदर, एक परमाणु के अंदर, परमाणु वो होता है किसी भी चीज का सबसे छोटा हिस्सा। इस शॉल को फाड़ दो, तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, जब आप उस अणु तक पहुंचोगे, उस कण तक जिसे आप दो कणों में नहीं बांट सकते, वो परमाणु है, एटम। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन गति कर रहे हैं, घूम रहे हैं। एक नाभिक में है, उसके केंद्र में, बाकी उसके चारों ओर घूम रहे हैं। दूसरे एटम के अंदर भी, तीसरे एटम के अंदर भी, सारे असंख्य एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स और टॉप क्वार्क तक जो मूवमेंट है वो एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा। मैंने उस नौजवान से पूछा और आपसे भी पूछता हूं, वो सारे जो मूवमेंट हैं और एक जैसे हैं, हर अणु के अंदर, हर परमाणु के अंदर, उनमें एक जैसापन कैसे है, एक जैसापन कैसे है? क्या उन इलेक्ट्रॉन्स ने, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ने खुद मिलकर ये फैसला किया है कि हम यूं घूमेंगे? ऐसे क्यों नहीं घूमने लगते? कौन है जो उनको वहां गति दे रहा है, एक जैसी गति और निश्चित गति व्यवस्था के अंदर? तो उसने कहा बस ये तो लॉ है, तो रूल है, बस चल रहा है, इसी तरह हो रहा है, अपने आप है ये नियम। तो मैंने कहा अच्छा ही बताओ, ये दुनिया नियमों के अंदर चल रही है तो ये नियम क्या है? तो उसने कहा, उसके मुंह से एक शब्द निकला, उसने कहा बस एक फोर्स है, एक शक्ति है,
जो इन परमाणुओं को जोड़ देती है। कभी ये परमाणु अलग होते हैं, टाइम की प्रॉपर्टी का टाइम का इनकी प्रॉपर्टी पर असर पड़ता है और इस तरह से ये चेंजेज आते रहते हैं दुनिया में, चीजें बन रही बिगड़ रही, बस एक फोर्स है और वो इस दुनिया को चला रही। बस यही मैंने उसे पकड़ा और आपके दिल में भी ये बात उतार देना चाहता हूं, नियम को समझना तो नियम के पीछे जो यम मौजूद है, जो नियमों को अपने कंट्रोल में रखे हुए है, उसका तुम्हें अनुमान हो जाना चाहिए। मैंने उससे पूछा, ये बताओ उस फोर्स में नॉलेज है कि नहीं, उस ताकत में वो जो शक्ति है उसके पास ज्ञान है कि नहीं। तो उसका ज्ञान, ज्ञान जो कुछ भी कहिए, हम ज्ञान बोलते हैं, बाकी लोग ज्ञान बोलते हैं, आप लोग ज्ञान बोलते हैं, मराठी लोग ज्ञान बोलते हैं, यानी बोध, एहसास, ज्ञान, समझ कि ये नियम ऐसा है, ये नियम ऐसा है, इस नियम को यूं जोड़ें, क्योंकि नियम अलग अलग हैं और एक जैसे हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भारत में मिलाओ तो पानी बनेगा, अमेरिका में मिलाओ तो भी पानी बनेगा। यहां पर तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कण बिल्कुल अलग थे, वहां बिल्कुल अलग थे। कौन है जो यहां भी उस नियम को फॉलो करवा रहा है, वहां भी उस नियम को फॉलो करवा रहा है? ठीक है, एक फोर्स है। मेरा सवाल है कि उस फोर्स में नॉलेज है कि नहीं, ज्ञान है कि नहीं? तो उसने कहा नहीं, ज्ञान तो नहीं है, बस सिर्फ जस्ट फोर्स, बस सिर्फ एक ताकत है। तो बस मैंने उससे पूछा, और यहीं पर किसी नास्तिक को सिर झुकाना पड़ेगा, मैंने कहा कि बस ये बताओ, जिस फोर्स के पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, हमारे तुम्हारे पास तो ज्ञान है, और हम तुम ज्ञान रखने वाली ताकतों को, शक्तियों को, सत्ताओं को, वो फोर्स कैसे कंट्रोल कर सकती है जिसके पास ज्ञान नहीं है? हम और आप जो ज्ञान रखने वाली सत्ताएं हैं, उनको भी नियंत्रण में रखने के लिए हमसे ज्यादा ज्ञान रखने वाली शक्ति होनी चाहिए, वरना हम मनुष्य तो कब का इस फोर्स को और नियमों को तितर बितर करके एक तरफ से उधर कर दिए होते। हमारा जब फायदा होता तो हम धरती के ग्रेविटेशन को हटा देते, हमें स्पेस में जाना है। मत रोको, नहीं, धरती का ग्रेविटेशन आपको हर कदम पर रोकता है, पर आपकी गति के लिए भी ये जरूरी है प्रतिरोध। तो जहां भी नियम है, बुद्धिमत्ता पूर्वक है, व्यवस्था जहां होती है वहां ज्ञान होता है, बिना ज्ञान की व्यवस्था नहीं होती। और हम और आप जो ज्ञान रखने वाली सत्ताएं हैं, कैसे उस सत्ता के कंट्रोल में हो सकते हैं जिसके पास ज्ञान नहीं है? तो वो जो शक्ति है, सर्व ज्ञान मयो सह, वैदिक चिंतकों ने कहा सर्व ज्ञानमयो ही सह, उसमें सब ज्ञान और सारे नियमों को अपने अंदर संभालने की शक्ति ज्ञान के साथ जुड़ी हुई है। और तब उस नवयुवक ने कहा कि आज मन में थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि जरूर कोई शक्ति है। और मैंने उसे ये सारी बातें समझाई बाय चांस वाली, और इन सारे नियमों को, नियमों के पीछे छिपी हुई व्यवस्था को, व्यवस्था के पीछे विद्यमान व्यवस्थापक को, नियमों के पीछे विद्यमान यम को जो समझ जाता है और यम के नियमों को जानने की जो कोशिश करता है, वो शोक और दुख से पार हो जाता है, क्योंकि उस यम का एक नियम है। इस जगत में सारा कुछ, सारा कुछ किस चीज से चल रहा है, किस वजह से चल रहा है? दो सिरे, निर्माण विनाश, निर्माण विनाश। चीजें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, फिर बन रही हैं, फिर बिगड़ रही हैं। और कल मैंने आपसे एक बात कही थी, मेरी तरफ देखिए, फिलॉसफी और साइंस, फिलॉसफी और साइंस दोनों के बीच, दोनों के बीच एक सामान्य नियम काम करता है, एक समान नियम कि जो चीज है, अस्तित्व रखती है, एग्जिस्ट करती है, वो एब्सोल्युटली नॉन एग्जिस्टेंस में नहीं जा सकती, उसे आप पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते। जो चीज है उसको आप कभी समाप्त नहीं कर सकते, और जो चीज नहीं है एब्सोल्युटली नॉन एग्जिस्टेंस में है उसको आप एग्जिस्टेंस में नहीं ला सकते। जो पूरी तरह ना है उसको है में नहीं बदला जा सकता। तो वही उदाहरण कल भी मैंने आपसे कहा था, इस शॉल को तोड़ो, फाड़ो, एक एक छोटे परमाणु में बांट दो। अब उस परमाणु को दो कणों में नहीं बांटा जा सकता, पर परमाणु को तोड़ा जा सकता है। जैसे ही परमाणु को तोड़ दोगे, परमाणु कण नहीं रहेगा और तरंग में बदल जाएगा, एनर्जी में बदल जाएगा, रूप बदल गया, नष्ट नहीं हुआ। कल मैंने आपको उदाहरण दिया था, शरीर को चिता में जलाकर भस्म कर देते हैं, आप समझते हो नष्ट हो गया? इतनी सारी हवन सामग्री, घी आपने हवन कुंड में डाल दिया, नष्ट हो गया? नहीं, केवल मूर्ख या अवैज्ञानिक व्यक्ति ये कहेगा कि नष्ट हो गया, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। अग्नि में डालकर वो पदार्थ अलग अलग बट गए, शक्ल बदल गई, एटमॉस्फेयर में मौजूद है।
एक गिलास पानी लीजिए, आग के ऊपर रख दीजिए, भाप बन करके उड़ गया, नष्ट हो गया पानी, पानी खत्म हो गया नहीं, केवल जो तरल पदार्थ पतला पतला वो लिक्विड जो दिख रहा था आपको ग्लास में, अब वो शक्ल नहीं रही, कणों में मौजूद है, भाप के कणों में मौजूद है, और वो भाप के कण फिर मिलेंगे, बादल बनेंगे, पानी बनेगा, फिर से बरसेंगे। धरती पर जो जल है, भाप बनता है, आकाश में जाता है, बादल बनता है, फिर से बरस जाता है। चीजें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दो या दो से ज्यादा पार्ट्स जुड़ते हैं, चीजें दिखाई देती हैं एक शक्ल में, फिर वो शक्ल बदल जाती है। शॉल को फाड़ो, दो टुकड़े में कर दो, शक्ल बदल गई ना, शॉल नष्ट नहीं हुई, शक्ल बदली है, पदार्थ नष्ट नहीं हुआ। जिसे आप शॉल कहते थे, अब आप उसे शॉल के दो टुकड़े कहोगे, ठीक है, और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तो आप छोटी छोटी चिंदी कहोगे, और कर दिया तो कण कहोगे, नाम बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा, पदार्थ नष्ट नहीं होता, भाप से पानी, पानी से भाप बन रहा है, बिगड़ रहा है, चीजें फिर बन रही हैं, फिर बिगड़ रही हैं। इसलिए ध्यान रखना, कोई भी चीज अपना रूप बदल ले तो उसको सोचकर परेशान मत होना, जो गई है वापस आएगी। जगत रिसाइकलिंग से चल रहा है, रिसाइकलिंग, चीजें बनी, पानी भाप बना, भाप से फिर पानी बना, आपने अन्न मिट्टी में पैदा हुए फल फूल वनस्पतियां अन्न खाए, फिर कुछ आपके शरीर में लग गए, कुछ मल बनकर निकल गए, वापस मिट्टी बना, फिर से अन्न फल फूल वनस्पतियां, जगत रिसाइकलिंग से चल रहा है। शरीर को चिता में जलाकर भस्म कर दिया गया था, भस्म हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, जिन तत्वों से मिलकर वो शरीर बना था वो तत्व अलग अलग बिखर गए, तब फिर उस शरीर के अंदर जो ज्ञान रखने वाली चेतन सत्ता काम कर रही थी, सुख दुख का अनुभव करने वाली, वो भी नष्ट नहीं हो सकती, वो भी मौजूद है। ध्यान रखना, यम का एक नियम, जीवन और जगत, जगत रिसाइकलिंग से चल रहा है, जीवन रीइनकार्नेशन से चल रहा है, पूर्व जन्म पुनर्जन्म, आत्मा इस शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में स्थानांतरण कर रही है, चीजें रूपांतरित हो रही हैं, आत्मा स्थानांतरित हो रही है। केवल इतनी सी बात है, वही आत्मा तुम्हें फिर किसी संबंध के रूप में फिर से वापस मिलेगी, अगर उसका तुम्हारे साथ प्रेम और आशीर्वादों का घनत्व मौजूद है। नहीं भी हो तो भी क्या, सब चीजें वापस मिलती हैं, सब संबंध वापस मिलते हैं। मैं मुंबई में नेपेंसी रोड पर किसी परिवार में था और मुझे अंधेरी आर्य समाज में भाषण देने जाना था। मैं भूलता नहीं इस घटना को, और लेट हो गया। उन्होंने कहा कि जी कोई बात नहीं, ड्राइवर आपको छोड़ देगा। मैंने कहा ड्राइवर, नेपेंसी रोड से अंधेरी, ट्रैफिक का वक्त है, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा समय पर, ठीक 8 बजे पहुंचना है, ड्राइवर को बोलिए मुझे ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन पर छोड़ दे, मैं लोकल ट्रेन से जाऊंगा। लीजिए, मैं लोकल ट्रेन में बैठ गया, विरार वाली, विरार जाने वाली फास्ट लोकल में। यहां बैठे हुए लोग, आप भुज के लोग नहीं जान सकते कि मुंबई की लोकल ट्रेन की शाम को उधर से उधर जाते हुए क्या हालत होती है, चंदू भाई जी को पता है। तो मैं घुस गया जी उस ट्रेन में, हर स्टेशन पर भीड़ बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, कम ना हो, उतरे नहीं आदमी, चढ़ ही रहे, बस भीड़ का दबाव बढ़ गया। मैं कभी कभी लोकल ट्रेन में चढ़ता हूं। अब मैंने सोचा उतरूंगा कैसे, मैंने पूछा किसी से, अंधेरी तो रुकेगी ना, बोले रुकेगी, आपको अंधेरी उतरना है, हाँ, अरे विरार वाली में क्यों चढ़ गए, बोरीवली वाली में चढ़ना था, तो अब इसमें तो दो चार और बोले कि हम भी उतरेंगे, हम भी उतरेंगे, तो सरकते सरकते मैं इधर आ गया। तो मैंने कहा इतनी भीड़ कैसे उतरेंगे, वो तो भीड़ उतार देगी आपको, उसकी चिंता मत करो। मैंने कहा भीड़ तो उतार देगी, पर मेरे चश्मे का क्या होगा, चश्मा, मैं प्रोग्रेसिव लेंस पहनता हूं, जरा कीमती बनते हैं, तो मैंने कहा मेरा चश्मा टूट जाएगा। तो मैंने इसको उतारा, केस में रखा, बैग में रख लिया, और जब मैं ट्रेन से उतर गया, ऑटो में बैठा उसका, जल्दी से ले चल वहां पर, एड्रेस समझाया उसको, स्पीड से चला। मैंने सोचा अब जरा दुनिया ठीक से देखी जाए, चश्मा पहन ले। तो मैंने बैग में हाथ डाला तो चश्मा नहीं था, चश्मा खो गया, किसी ने भीड़ में चश्मा निकाल लिया, चोरी कर ली। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे रोना चाहिए कि हंसना चाहिए, बताइए, हंसूं कि रोऊं? मेरे पास, हाँ क्यों हंसे, 6,000 रुपए का चश्मा था। तो देखो, मेरे पास दुखी होने का भी एक कारण है और सुखी होने का भी एक कारण है। दुखी होने का कारण तो ये कि 6,000 रुपए मूल्य का चश्मा मेरे किन्हीं एक धनपति मित्र ने प्रसन्न होकर मुझे वो चश्मा भेंट किया था, क्योंकि मैं एक दिन ऐसे ऐसे ऐसे
चश्मे को जरा फिट कर रहा था, उनका आप प्रोग्रेसिव लेंस पहना करो। मैंने कहा वो क्या होते हैं? उनका चलो ऑप्टिशियन के पास हम बनवाते। भले ही उन्होंने खर्चा किया था पर था तो अब मेरा ना वो, दोबारा से तो 6,000 रुपए थोड़ा अखरता है, तो दुखी हो सकता हूं, पर मैं सुखी हुआ। क्यों? उसका एक कारण था, क्योंकि चश्मा ही चुराया चोर ने, वहां मोबाइल भी था, वो चश्मे से ज्यादा कीमती। उस समय मोबाइल महंगे आते थे, तब की बात है, तो चश्मे से ज्यादा कीमती। और ज्यादा कीमत की बात यह कि उसमें सारे मित्रों परिचितों के नंबर फीड हैं, और में से बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक डायरी में जो कॉपी नहीं किए जा सके, वो नंबर कहां से लाऊंगा। तो ये तो मोबाइल खोने से ज्यादा दुख, ठीक है लीजिए। तो मेरे पास सुखी होने का एक कारण। फिर उसके कुछ दिनों बाद में पहुंच गया दिल्ली। दिल्ली से मुझे जाना था मेरठ, वहां के थापर नगर आर्य समाज में 3-4 दिन मुझे लेक्चर देने थे, और मैं दिल्ली से बस में बैठा तो मेरठ आर्य समाज के प्रधान ने मुझे कहा था कि जब आप मेरठ पहुंचने लगे तो जरा एक रिंग कर दीजिएगा हमें फोन पर मोबाइल से, और हम आपको रिसीव करने बस स्टैंड पहुंच जाएंगे। 2 घंटे की यात्रा बस से दिल्ली से मेरठ। तो दिल्ली से बस में मैं चढ़ा और मैं कुछ मैगजीन पढ़ने लगा। उसके बाद मैंने सोचा अच्छा मेरठ आ गया तो मैं जरा फोन करके बता दूं। तो मैंने जेब में हाथ डाला, मोबाइल नहीं था। बड़ी भीड़ थी बस में चढ़ने वालों की। बस में चढ़ते हुए मैं किसी तरह एक हाथ से हैंडल पकड़ के और एक हाथ में बैग था, मैं उछल के बस में चढ़ गया था, तो मोबाइल भी चोरी हो गया। लीजिए, चश्मा भी गया, मोबाइल भी गया। अब मुझे सुखी होना चाहिए कि दुखी? अब क्या है? अच्छा एक बात बताइए, चश्मा गया है तो क्या दोबारा नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। मोबाइल चोरी हो गया, दूसरा नहीं आएगा क्या? आएगा ना, आएगा ना। तो सवाल यह उठता है कि जो हमारे प्यारे संबंध रखने वाले चले गए, मां पिता भाई बहन पत्नी पति, वो तो वापस नहीं मिलेंगे, है ना? उनके लिए तो रो लेने दो नहीं। मैं आपसे कहता हूं, यम के नियमों को ठीक से समझ लो, सावित्री की तरह सत्यवान को वापस पा सकोगे। मोबाइल वापस मिलता है ना, चश्मा भी वापस मिलता है ना, तो कितना अच्छा हो कि ये संबंध भी वापस मिल जाए। तो सुनिए, मेरे पास अब भी सुखी होने का एक कारण है, मोबाइल चोरी होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि मैं जिस परिस्थिति में बस में चढ़ा था उसमें मेरी टांग टूट सकती थी, मैं गिर सकता था। चढ़ गया, शरीर तो साबुत है ना, एक मोबाइल ही तो चोरी हुआ है, ठीक है वापस मिल जाएगा। अच्छा टांग टूट जाए तो वापस मिलेगी? वो तो नहीं मिलने, तब भी कैसे सुखी हुआ जा सकता है? मैंने आपको सुनाई थी कि एक मीठी बात की, नहीं मुझे याद नहीं, हिंदू समाज बड़ी देर से जागता है। जब क्रिश्चियन मिशनरीज ने वनवासी क्षेत्रों में पूरी बेल्ट नागालैंड मिजोरम त्रिपुरा मेघालय अपने उसमें कर ली, अपने नियंत्रण में पूरी की पूरी, और उड़ीसा मध्य प्रदेश झारखंड बिहार के वनवासी क्षेत्रों में उनका प्रवेश हो चुका, तब हिंदू समाज के कुछ लोगों को चेतना आई और वो भी वनवासी कल्याण परिषद जैसी चीजें बना करके और उन क्षेत्रों में गए। देर कर दी, हिंदू तब जागता है जब पानी यहां तक आ जाए, डूबने को तब वो उपाय करता है, सोचता है क्या किया जाए। और अब भी मंदिर बनाने के लिए जितना जल्दी पैसा निकालता है हिंदू, संगमरमर में पत्थर में फूंकने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसा है। व्यक्तियों पर खर्च करने के लिए, चेतना जगाने के लिए और उन वनवासी क्षेत्रों में काम करने के लिए मांगने जाओ तो नहीं, संगठन के लिए नहीं, कार्य के लिए नहीं, जड़ चीजों में भर देगा। खैर, तो एक हिंदू मिशनरी वहां पहुंचा और उन वनवासी क्षेत्रों में काम करने लगा, और एक दिन विरोधी गुट के लोगों ने उस हिंदू मिशनरी को पकड़ा, पेड़ से बांधा और उसकी आंखें निकाल ली। सुनाई थी मैंने आपको ये बात, जो कैसेट सुनते रहते हैं उन्हें याद रहता है, आंखें निकाल ली। तो उस हिंदू मिशनरी ने ईश्वर का स्मरण करते हुए कहा कि हे भगवान तेरी कितनी कृपा, 52 वर्ष की उम्र तक मैंने तेरी दी हुई इन आंखों से तेरे बनाए हुए सुंदर संसार को देखा, इसका रस लिया,
अब अगर ये आंखें नहीं रही हैं, बड़ा अच्छा, बड़ी कृपा तेरी। अब मैं अंदर के जगत में उतर कर जान सकूंगा कि अंदर जीवन की गहराइयां क्या छिपी हुई हैं। ज्ञान के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में उतरूंगा। चलो, अच्छा हुआ आंखें छिन गई। जीवन का जब आप यह दृष्टिकोण रखते हो, मेरा ही कोई कर्म फल होगा। वो बोला कि तुमने इन आंखों से इस जगत को देखने का सौभाग्य छीन लिया, कोई बात नहीं, शायद इसके पीछे भी कोई कल्याण छिपा हो तुम्हारी योजना में। और वो कल्याण अभी तो यही समझ में आ रहा है कि अब मैं बाहर का जगत नहीं देख सकूं तो तभी तो मैं अंदर के जगत में उतर पाऊंगा। जब तक ये आंखें खुली थी तब तक बाहर के संसार की रंगीनियों में मैं खोया हुआ था और अंतर जगत का क्या सौंदर्य है इसको जानने का भाव ही मन में नहीं उठा था। आज मैं इन क्षणों में जबकि मेरी आंखें छिन गई हैं, तुम्हारा बहुत धन्यवाद करता हूं। देखो, भले ही वो शरीर के अंग वापस ना आए, फिर भी बहुत कुछ शेष रह जाता है। इतना कुछ बाकी रह जाता है जीवन में इसके बाद भी कि आप जीवन को अगर ठीक से समझें और यम के नियमों को समझ पाए तो चीजें, अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुरंत अभी वापस नहीं मिलेंगी। इस जीवन में उसकी भरपाई नहीं होगी, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना, इस जीवन के बाद भी जीवन है। वही संबंध फिर वापस आएंगे, आंखें फिर वापस मिल जाएंगी, पैर फिर वापस मिल जाएगा। अभी जो कुछ जीवन का शेष भाग है उसके द्वारा तुम प्रमाणित करो कि इससे तुम क्या और अधिक कर सकते हो। मैं डॉक्टर योगेश वेलाणी जी, डॉक्टर प्रदीप जी और श्री महेश जी से अनुमति लेकर के एक सुंदर बात आपको सुनाना चाहता हूं जो मैंने पिछले साल आपसे कही थी। देखो, वेद का एक मंत्र है जिसमें कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में स्वस्ति पथ पर चलना चाहिए। और स्वस्ति का मतलब है अस्ति को स्वस्ति बनाना। अस्ति माने है। जो चीजें आपके पास हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा मकान है, पत्नी है, पति हैं, बच्चे हैं, सब आपके आसपास जो चीजें हैं और जो व्यक्ति हैं, जब तक वो हैं तब तक उनको सुअस्ति बनाओ और अच्छा उनसे रस निकालो। क्योंकि मनुष्य के अलावा बाकी जितने भी पशु पक्षी हैं वो चीजें जैसी हैं उनको वैसा ही उनको स्वीकार करना पड़ता है। गधे घोड़े बैल को घास जैसी है वैसे ही खानी पड़ती है। घास का लड्डू बना के नहीं खाता वो। आप चना ऐसे ही नहीं खा लेते, चने का बेसन बनाते हो, बेसन से पकौड़ा बनाते हो, उससे लड्डू बनाते हो, तब आपका रस बढ़ता है, स्वाद बढ़ता है। अस्थि को स्वस्थि में बदला, बदला कि नहीं, ठीक है। पर अगर कोई चीज नहीं रही, हाथ नहीं रहा, आंखें नहीं रही, और